हेलो एवरीवन, वेलकम टू IFS। तो बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस हैं कि यहाँ पे IIT जैम एग्जाम जो प्रिपरेशन में एप्लीकेशन फॉर्म भरना है उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, और ये आपके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुका है। तो ऑफिशियल वेबसाइट से ही सारी इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे दी हुई है। तो देखते हैं कि यहाँ पे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर फिलिंग द एप्लीकेशन आपके कौन से होने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखते हो तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है आधार कार्ड और फर्स्ट पेज ऑफ पासपोर्ट और बर्थ सर्टिफिकेट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप आधार कार्ड ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आधार कार्ड, फर्स्ट पेज ऑफ पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट और वोटर आईडी कार्ड। यहाँ पे ध्यान रखना है, नोट दैट द नेम गिवन इन जैम 2023 एप्लीकेशन शुड मैच विद द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। ध्यान रखना, जो आधार कार्ड पे नाम है वही आपका नाम होना चाहिए जैम के ऑफिशियल पोर्टल पे। इसके बाद 10th का आपका SSC सर्टिफिकेट आपको चाहिए, ध्यान रखना। 12th का आपका सर्टिफिकेट चाहिए, SSC हो गया, SSC हो गया। ये सारे बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सारे चाहिए ही चाहिए, बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं। फॉर प्रोग्राम्स दैट रिक्वायर 10+2 मैथमेटिक्स, जैसे फॉर एग्जांपल आप केमिस्ट्री में कंसिडर करते हो तो मैथमेटिक्स लेने के लिए इंपॉर्टेंट है IITs में जाने के लिए। कुछ IIT ऐसे भी हैं जहाँ पे मैथ्स नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट में कंसिडर करोगे तो 10+2 में आपका मैथमेटिक्स होना चाहिए। अ कैंडिडेट नॉट स्टडीड मैथमेटिक्स इन 10+2 बट हैज सब्सिक्वेंटली कंप्लीटेड मैथमेटिक्स। ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब होता है कि जो NIOS का वेबसाइट यूज करके जो उन्होंने 12th की जो मैथमेटिक्स का पेपर है वो फिर बाद में दिया हुआ है, तो वो भी सर्टिफिकेट आपका मेंशन है, ध्यान रखना। ओपन स्कूलिंग में वो आपका सर्टिफिकेट आपको चाहिए, जो भी मैथमेटिक्स का पेपर आपने दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स में आता है, ये आपका होना ही होना चाहिए। नेक्स्ट में अगर आप देखते हो तो नेक्स्ट आपका आता है कौन कौन से मार्कशीट्स आपको चाहिए, कौन कौन से मार्कशीट इंपॉर्टेंट है। तो देखो, मार्कशीट्स ऑफ फर्स्ट ईयर ऑफ क्वालिफाइंग डिग्री इफ सर्टिफिकेट्स आर अवेलेबल एज पर सेमेस्टर कंबाइंड सर्टिफिकेट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर। तो आपको फर्स्ट ईयर का अगर सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है और आपको सेमेस्टर वाइज आपको सर्टिफिकेट मिला हुआ है तो दो सेमेस्टर वाइज के सर्टिफिकेट्स कंबाइंड PDF कॉपी कर दो, वो आप अपलोड कर दो फर्स्ट ईयर पे। वैसे ही आपको सेकेंड ईयर का करना है जहाँ पे थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर है, वैसे ही आपको थर्ड ईयर का करना है जहाँ पे आपके फिफ्थ एंड सिक्स सेमेस्टर के सर्टिफिकेट्स आप ऐड करके यहाँ पे आपको देने वाले हो। अब इफ एप्लीकेबल मार्कशीट फॉर फोर्थ ईयर ऑफ क्वालिफाइंग डिग्री इफ सर्टिफिकेट्स आर अवेलेबल एज पर सेमेस्टर कंबाइन ऑल। अब यहाँ पे क्या होता है, कोई लोग हैं जो BSc का प्रोग्राम जो होता है इंटीग्रेटेड कोर्स में, तो उनका फोर्थ ईयर भी चलता है, जैसे BS हो, BS वाला अगर आप देखोगे फोर्थ ईयर कोर्स भी चलता है, तो वहां पे आपको यहाँ पे फोर्थ ईयर का मार्कशीट भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये फिफ्थ ईयर ये सारा कंबाइन दे दिया है उन्होंने, अब सारी इंफॉर्मेशन दे दी है, हमें तो क्या चाहिए, हमें बस IIT जैम के लिए फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ईयर के मार्कशीट चाहिए। अकॉर्डिंग टू सेमेस्टर है तो उसको कंबाइन करो एज अ फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर केस में, तो ये आपके मार्कशीट रिक्वायर्ड है। और यहाँ पे दिया हुआ है देखो सेमेस्टर वाइज मार्कशीट क्वालिफाइंग डिग्री आपके अपलोड होने चाहिए। ठीक है, अब ये हो गई आपकी मार्कशीट्स की बात। अब अदर डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पे आता है आपका डिक्लेरेशन फॉर्म। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन है तो उसका भी मैं वीडियो बनाऊंगी कि डिक्लेरेशन फॉर्म आपको कैसे फिलअप करना है। ठीक है, और ये डिक्लेरेशन फॉर्म आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे मिलेगा, ये आपका IIT जैम की आप पोर्टल ओपन करोगे IIT जैम 2023, तो वहां पे डाउनलोड डिक्लेरेशन फॉर्म करके आ जाएगा, वहां से आप यहाँ पे डाउनलोड करके उसकी प्रिंट आउट निकाल के फिल करके फिर आपको PDF फॉर्म में अपलोड कर लेना है। ठीक है, ये ध्यान रखना। डिग्री सर्टिफिकेट इफ अवेलेबल, इफ एप्लीकेबल, ये इंपॉर्टेंट है, OBC NCL सर्टिफिकेट या EWS सर्टिफिकेट है स्पेसिफाइड फॉर्मेट में ही होने चाहिए, और ये फॉर्मेट भी आपको जो वेबसाइट है वहां पे आपको दिया हुआ है। ठीक है, इसी फॉर्मेट में आपके होने चाहिए, प्लस जो PWD वाले सर्टिफिकेट्स हैं उनके लिए भी स्पेसिफाइड फॉर्मेट दिया हुआ है, उसी फॉर्मेट में आपके सारे सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। तो ये बेसिक सारे सर्टिफिकेट्स आपको दिए हुए हैं, कौन कौन से सर्टिफिकेट आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल इन करने के लिए लगने वाले हैं वो आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी हुई है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एवरीवन, हैप्पी लर्निंग।